Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, I will discuss the major insect pest of banana crop along with their management practices. So before starting the video, I request you all to subscribe this channel and like and share this video more and more. So let us start. So banana which is important insect pest and the one first one is the rhizome weevil. Rhizome weevil scientific name is Cosmopolitan sordicus. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. कॉस्मोपोलिटस सॉर्डिसस साइंटिफिक नेम हो गया इसका. ऑर्डर है इसका कोलियोप्टेरा. ओके, रिमेंबर दिस. राइजोम वीविल, वीविल जो होती है कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती हैं. फैमिली है इसकी कुलकुलियोनिडे. नाउ वी डिस्कस द डैमेज सिम्टम्स. डैमेज में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रब प्रेजेंट होता है. ग्रब, यू नो द लार्वल स्टेज इज नोन एज ग्रब. Grub bore into the rhizome and cause death of the plant. That is why it is called rhizome weevil. तो जो rhizome weevil होता है वो mainly banana rhizome में attack करता है. इसमें क्या होता है कि जो weevil होती है उसका जो grub होगा लावा वो attack करता है. The presence of dark color tunnels in the rhizome. Tunnels create करके वो अंदर bore करता रहेगा. Death of unopened pie, withering of the outer leaves. तो ये symptoms आप देख सकते हैं किस तरह से weevil जो है राइजोम में अटैक करता है. पूरा का पूरा प्लांट का कलर जो होता है वो डिस्टॉर्ट कर देगा. कलर जो होगा बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा. तो ये सिम्टम्स आते हैं यहाँ पे. अब इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे चार स्टेजेस प्रेजेंट हैं. एग की, एग के बाद बनता है यहाँ पे लावा, देन प्यूपा, देन अडल्ट. एग्स जो होते हैं वो जो अडल्ट होती है वो कैसे एग लेइंग करती है. यहाँ पे एग लेइंग जो होती है सिंगली होती है. व्हाइट कलर के एग्स होते हैं. ओके, सिंगली एग लेंगे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है. उसके बाद लार्वा को यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रब. एपोडोस ग्रब्स यहाँ पे होते हैं, येलो कलर के होते हैं विद येलोइश वाइट विद रेड हेड. तो ये देख सकते हैं येलोइश वाइट है और उसका हेड जो है वो रेड कलर का होता है. आफ्टर दैट उसमें से निकलता है, इमर्ज आउट होता है प्यूपा. प्यूपा विच इज़ वाइट इन कलर अकर इन साइड द कॉम्स एंड द टनलिंग. अब क्योंकि ग्रब जो होता है वो टनल्स क्रिएट करता है राइजोम के अंदर, तो वहीं टनलिंग में ही प्यूपेशन हो जाता है, वहाँ से प्यूपा निकलता है. आफ्टर दैट अडल्ट बन जाता है, जो कि विविल को हम यहाँ पे अडल्ट जो विविल होती है उसको विविल बोलते हैं. अडल्ट इज नोन एज विविल हेयर एंड न्यूली विविल इज रेड ब्राउन इन कलर. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट, दैट इज राइजोम विविल का आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस तरह से होता है. नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस. तो यहाँ पे हमारा पहला होता है कि हेल्दी सकर्स या हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है. डू नॉट टेक रेगुलर क्रॉप इन द सेम फील्ड टू अवॉइड द इनिशियल इन्फेस्ट्रेशन. क्लीन कल्टिवेशन यहाँ पे फॉलो करना है. रिमूवल ऑफ द सीरो स्टैम बिलो द ग्राउंड लेवल, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है राइजोम विविल का उसमें सीरो स्टैम पे ही वो मेनली अटैक करता है. ठीक है, जो विविल है वो राइजोम या सीडोस्टैम कह लो उसमें अटैक करता है. तो यहाँ पे हमें जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसको रिमूव करना है, सीडोस्टैम को रिमूव करेंगे. राइजोम में ट्रिमिंग कर सकते हैं. अवॉइड ग्रोइंग वराइटीज़ विच आर ससेप्टेबल. तो ससेप्टेबल वराइटीज़ को जैसे एग्जाम्पल हैं रोबस्टा, कुरू, पुरवली, मुलभोग, चंपा, इन सारी वराइटीज़ को हम अवॉइड करेंगे. ग्रो लेस ससेप्टेबल वराइटीज़, तो हमारी जो लेस ससेप्टेबल वराइटीज़ हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं. एंड हेयर वी हैव ऑप्शन पोवन, कड़ाली, कुंदन, पोमकाली, ये वराइटीज़ जो हैं लेस ससेप्टेबल हैं. और नेक्स्ट वन इज़ यूज़ कॉस्मोलियो ट्रैप एंड स्टैम इंजेक्शन विद मोनोक्लोरोफॉस. दीज आर द इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑप्शन वी हैव फॉर द कंट्रोलिंग राइजोम विविल. द नेक्स्ट वन इज़ बनाना एसिड. तो अब सबसे पहले इंसेक्ट में हमने डिस्कस करा राइजोम विविल. सेकेंड आता है बनाना एसिड. ये बनाना एसिड हमने अभी आगे भी डिस्कस करा था एक डिसीज़ में. बनाना की जो सबसे पहले डिसीज़ हमने डिस्कस करी थी वो थी बंची टॉप. और बनाना का जो बंची टॉप डिसीज़ था वो एक वैक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता था, दैट इज़ बनाना एसिड. और यही बनाना एसिड हमको यहाँ पर डिस्कस करना है. साइंटिफिक नेम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, पेंटोलोनिया निर्गुनर्वोसा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. और एफिड्स हैं तो हेमिस्टेरा ऑर्डर हो गया, फैमिली एफिडिडी हो गई. बहुत सिंपल है लर्न करना. सिम्टम्स देख लेते हैं. एफिड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, द लीव्स आर बंच्ड इनटू अ रोजेट अपीयरेंस. तो जैसे हमें पता है कि बनाना एफिड जो है वो एसोसिएट है बंची टॉप से, तो सेम वही
वही टाइप के सिम्टम्स यहाँ पे भी होते हैं, जो बनाना की लीव्स होंगी वो रोजेट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, बंच्ड फॉर्म में गुच्छे में आएंगी। लीव मार्जिन आर वेवी एंड अपवर्ड रोलिंग, देख सकते हैं फिगर में किस तरह से लीव का मार्जिन है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ रोल करता है, स्टंट हो जाएगी प्लांट ग्रोथ। ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस बंचेस, वैक्टर ऑफ बंची टॉप डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक वैक्टर है बंची टॉप डिसीज का। सीन इन कॉलोनीज ऑफ द लीव एक्सिल ऑन द सीरोस्टेम, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यहाँ पे हमने डिस्कस तो कर ली बनाना एफिड्स के। नाउ वी आइडेंटिफाई द पैथ, अब क्योंकि एफिड है यहाँ पे, एफिड में सिर्फ तीन स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, एग, एग से निकला निम्फ, निम्फ के बाद बन गया अडल्ट। तो यहाँ पे जो निम्फ होते हैं दे आर डार्क इन कलर, यू कैन सी इजिली इन दिस फिगर। ठीक है, डार्क कलर का यहाँ पे जो है निम्फ प्रेजेंट होते हैं, और अडल्ट जो होते हैं दे आर ब्राउनिश एंड हैज अ ब्लैक विंड विंग्स। तो यहाँ पे जो अडल्ट है ये रहा अडल्ट, ठीक है, लीव्स में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे और माइन्यूट फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में यहाँ पे क्लीन कल्टीवेशन है, यूज हेल्दी एंड पेस्ट्री सकर जो भी होता है, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन मेजर्स को फॉलो करेंगे, जो भी डिस्ट्रॉय प्लांट्स होंगे राइजोम्स होंगे उनको डिस्कार्ड करेंगे। जो केमिकल मेथड यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो है वो मिथाइल डिमिटोन है, मोनोक्रोटोफॉस हो गया, एंड डायरेक्ट स्प्रे टूवर्ड द क्राउन एंड सीरोस्टेम बेस अप टू द ग्राउंड लेवल, इंजेक्ट मोनोक्रोटोफॉस, ये मोनोक्रोटोफॉस अगेन यहाँ पे भी रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको यूज़ करना है, अवॉइड इंजेक्शन ऑफ मोनोक्रोटोफॉस आफ्टर फ्लावरिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फ्लावरिंग के बाद आफ्टर फ्लावरिंग मोनोक्रोटोफॉस का इंजेक्शन नहीं करना है। ओके, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रीडेटर्स, अब यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स होते हैं उसका हम उनकी ग्रोथ को हम जो इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स हैं उनकी जो ग्रोथ हमको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स के ऑप्शंस हैं दैट इज कैननस, द फर्स्ट वन इज कैननस, चिलोमेंस, सेक्सकुमलाटा, क्राइसोपर्ला एंड अदर कॉक्सिनलेड्स। तो जो कॉक्सिनलेड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रीडेटर का काम करते हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंटेमोपैथोजन, जो इंटेमोपैथोजन है ब्रिवेरिया बेसियाना, ये बहुत ही फेमस कंट्रोल मेजर है।